Good morning, students. I hope you're all in good and safe today. So, today class, so in today class, we will study about addition and subtraction, chapter 2. ठीक है? So, आज हम addition and subtraction के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है? इससे पहले हम chapter 1 पढ़े थे. ठीक है? So, in this chapter, we will know about how to add numbers and how to subtract numbers. So in class 3 we have already learned about subtraction and addition of 4-digit numbers. So in this same way we will add and subtract 5-digit number and 6-digit number. So in this class we will know about that 5-digit number addition, 5-digit and 60-digit number addition, and 5-digit and 60-digit number subtraction. Okay, so let's first know about addition. तो पहले हम क्या करेंगे? Addition के बारे में जानेंगे, ठीक है? अभी हम देखेंगे addition के बारे में. Addition without क्या है, ठीक है? Addition स्टूडेंट सो आज हम पढ़ेंगे एडिशन विदाउट कैरी, मतलब बिना कैरी किए हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे 5-digit नंबर और 6-digit नंबर. ओके, सो इससे पहले हम एडिशन करें तो इसके बारे में एक चीज है जो बताना चाहूंगा. जो हम आर कर रहे हैं, ठीक है, एक नंबर हुआ, एग्जांपल 52739, दिस इज ए नंबर. ओके, एंड 35,310, ठीक है, ये जो नंबर है. सो इसको हम क्या करेंगे, आर करेंगे इन दोनों नंबर को, ठीक है, विदाउट कैरी, मतलब कैरी कुछ भी, कोई नंबर कैरी नहीं की जाएगी. ठीक है, सो एक चीज याद रखना, द नंबर्स टू बी एडेड आर कॉल्ड arends. ठीक है, the numbers to be arend are called arends. So these are both we call arends. Okay, so जो ये जो numbers हैं इसको हम क्या कहेंगे, इसको arends कहेंगे. ठीक है, ठीक है, the numbers we are is called arend are called arends. The result obtained after adding is called sum. इसके बाद जो result आएगा, ठीक है, इसमें क्या आएगा, result आएगा. ठीक है, द रिजल्ट वी गेट दैट इज क्या, उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सम. इसमें जो आएगा सम आएगा, तो इसको हम करते हैं आर करते हैं. ठीक है, इधर को हम क्या कहेंगे, आरएंड कहेंगे. आरएंड को हम क्या करेंगे, आर करेंगे, एंड द रिजल्ट वी गेट दैट वी दैट इज कॉल्ड आरएंड, तो दैट इज कॉल्ड सम. 9 + 0 = 9, 3 + 1 = 4, 7 + 3, सॉरी इसको 2 कर लेते हैं, 9, 5 + 2 = 7, 5 + 3 = 8, 87,949. ठीक है, सो दीज बोथ आर कॉल्ड आरएंड्स, एंड द रिजल्ट वी गेट दैट इज दिस इज सम. ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सम कहेंगे. ओके, सो इसी तरह ये क्या है, ये एडिशन किए हम वो 5-digit नंबर. ठीक है, तो विदाउट एनी कैरी वी add these two numbers and we get the sum, that is 87,949. Okay, abhi aur ek number hai, usko hum add karenge. Theek hai, to usko without carry karke hum usko add karenge. Theek hai, jaise ki ek number hua diya gaya hai aapke book mein, jaise ki ye ek number hua और एक नंबर दिया गया है. ठीक है, इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे. वही इन दैट सेम प्रोसेस वी विल ऐड दिस टू नंबर्स, 5 + 3 = 8, 7 + 1 = 8, 5 + 1 = 6, 4 + 2 = 6, 2 + 3 = 5.
ठीक है, अभी हम आर किए, तो ये हो गया एडिशन, ये दोनों क्या कहेंगे इसको आर एन कहेंगे, एंड दीज आर एंड रिजल्ट वी गेट दैट इज सम। ओके सो ये हो गया हमारा विदाउट कैरी करके हम क्या करें एडिशन करेंगे, एडिशन कैसे करें उसके बारे में पढ़े। अभी हम क्या करेंगे विथ कैरी, ठीक है, कैरी करके कैसे हम एडिशन करेंगे, ठीक है, कुछ नंबर हम करेंगे जो कि एडिशन विथ कैरी, विथ कैरी, ठीक है, एडिशन विथ कैरी, एडिशन विथ कैरी, ठीक है, यार हमको पता है हम फोर डिजिट थ्री डिजिट वाला नंबर में किए हैं, उसी तरह भी वही सेम वे में हम क्या करेंगे एडिशन विथ कैरी करेंगे, ठीक है। एक नंबर दिया गया है, जैसे कि दिया गया है आपके बुक में दिया गया है 24682, अनदर नंबर इज 5254321, अनदर नंबर इज 2424321, ठीक है। सो हम इसको क्या करेंगे एडिशन करेंगे जो कि कैरी करेंगे, कैसे करते हैं देखते हैं, तो कैसे करेंगे जैसे कि 2 + 1 = 3, 3 + 1 क्या होगा 4, ओके, नेक्स्ट 8 + 2 = 10, 10 + 2 = 12, कैरी करके, और जो कैरी करेंगे ठीक है वो यूनिट प्लस को हम रखेंगे, जो 10th प्लस का जो नंबर आएगा उसको जो अनदर प्लेस है उसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, तो 12 हुआ वो आन ऊपर रखे हमने। अभी क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे इसको आ कर देंगे 6 + 1 = 7 + 3 = 10, 10 + 3 = 13, ठीक है, यूनिट प्लेस का नंबर रखें उसके बाद 10 प्लेस का नंबर हम क्या करेंगे ऊपर रख देंगे, कैरी कर देंगे, ठीक है, हम कैरी किए 8 को, तो अभी इसको क्या करेंगे सम करेंगे 4 + 1 = 5, 5 + 4 = 9, 9 + 4 कितना हुआ 13, ठीक है, अभी फिर से 13 हुआ तो 1 आया तो 1 को इसको हम क्या करेंगे कैरी करेंगे, तो जो कैरी करेंगे क्या करेंगे 2 + 1 = 3, 3 + 5 = 8, 8 + 2 = 10, दिस इज द सम, ठीक है, अभी हमारा सम निकल आया, ठीक है। So, अभी क्या करें, ये क्या हुआ ये कैरी करके कैसे एक कर, क्या करेंगे कैरी करके कैसे एडिशन करेंगे उसके बारे में ये वाला था, ठीक है। तो हमारा ये हो गया कैरी वाला नंबर, अभी कुछ देखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ठीक है, अभी हम क्या किए दो चीज के बारे में जाने, जैसे कि एडिशन जाने विदाउट कैरी एंड विथ कैरी, ठीक है, दोनों के बारे में जाने, अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या है, मेनली देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एज वी हैव रीड इन क्लास 3, ओके, हम क्लास 3 में पढ़े थे कि दो तरह का प्रॉपर्टीज एडिशन के, दो तरह के प्रॉपर्टीज पढ़े थे, जैसे कि एक हुआ ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, अनदर इज प्रॉपर्टी ऑफ जीरो इन एडिशन, ठीक है, हम दो तरह के प्रॉपर्टी पढ़े थे, टू प्रॉपर्टीज, एक हुआ ऑर्डर प्रॉपर्टी, एक हुआ ऑर्डर प्रॉपर्टी एंड दूसरा हुआ, दूसरा जो हुआ वो क्या है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, याद रखना आप क्लास 3 में भी पढ़े थे, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ठीक है, इन दोनों के बारे में पढ़े थे। तो ये दोनों क्या है, ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या है पहले इसके बारे में जानते हैं, ठीक है, तो ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या है, ऑर्डर प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी नंबर को उसको आर करेंगे, ठीक है, जो सम निकले जो आएगा आंसर आएगा, ठीक है, अगर उसका ऑर्डर चेंज भी कर दे तो क्या होगा उसका वही सेम आएगा नंबर, मतलब सम सेम सम आएगा, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है। हम एक एग्जांपल करते हैं उससे आपको पता चल जाएगा, जैसे कि एक नंबर हो 5 2 3 7 9, ठीक है, 1 3 4 6 5,
ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, अभी ऐड करेंगे 9 5 14 1 कैरी करेंगे, 7 1 8 8 6 14 ठीक है, 1 कैरी करेंगे, 3 1 4 4 4 8 3 2 5 1 5 6 ठीक है। अभी इसका हम क्या करेंगे, क्या करें कि उसका सम निकालें। कि अगर ये क्या था, अगर अर्न की बात करेंगे तो पहले ये 52,379 ऊपर था, फास्ट था, एंड देन 13,465 नीचे था। अगर इसको हम ऑर्डर चेंज कर देंगे, इफ वी चेंज द ऑर्डर देन पर विल गेट, लेट्स सी। ओके, पहले रख देंगे 13,465 52,379। ओके, दोनों को अभी हम क्या करेंगे, आर करेंगे, लिखेंगे क्या होता है, 9 5 14 1 लिखेंगे, ठीक है, 6 1 7 7 7 14 ठीक है, 1 लिखेंगे, 4 1 5 5 3 8 3 2 5 5 1 5 6 65,844 This is also 65,844 इससे हम क्या कंक्लूजन में पहुंचे कि ये जो दोनों नंबर है इसको हम ऐड करेंगे और उसको ऑर्डर भी चेंज भी कर देंगे तो सेम सम विल बी सेम। अगर ये हम ये दो नंबर किए, तीनों नंबर अगर करेंगे एक साथ ऐड करेंगे तो वही सेम होगा। ठीक है, एक साथ हम उसका ऑर्डर चेंज करेंगे, फर्स्ट वाला सेकंड को लाएंगे, सेकंड वाला थर्ड को लाएंगे, उसके बाद सेकंड वाला फर्स्ट को लाएंगे, थर्ड वाला सेकंड को लाएंगे, फर्स्ट वाला थर्ड को लाएंगे, तो उसी तरह अगर करेंगे तब भी हमारा आंसर सेम निकलेगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, इसको हम ऑर्डर प्रॉपर्टी कहेंगे, समझ में आ गया। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है, ये तो आपको पता है, क्लास 3 में आपने किए थे। ठीक है, सो ये क्या है, अगर कोई भी नंबर को हम जीरो के साथ क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, कोई भी नंबर को हम जीरो से ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो आंसर क्या निकलेगा, वही सेम नंबर निकलेगा। व्हेन जीरो इज एडेड टू ए नंबर द सेम द सम सम इज द नंबर इटसेल्फ। ओके, कोई भी नंबर हम 5 2 3 9 6 इसको हम क्या करेंगे, जीरो से ऐड करेंगे तो क्या होगा, द सेम नंबर विल कम इटसेल्फ। ओके, 5 2 3 9 6 जीरो से ऐड करेंगे तो वही सेम नंबर ही निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। दो प्रॉपर्टी के बारे में, ऑर्डर प्रॉपर्टी एक हुआ और दूसरा हुआ प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है, ये हो गया, क्या ये प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो हो गया। अभी हम देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स होगा, उसको हम क्या करेंगे, हम कैसे एडिशन के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, सो अभी देखेंगे हम क्या प्रॉब्लम्स ऑफ एडिशन। ठीक है, ओके, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन करेंगे। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, लुक एट बोर्ड, देयर इज अ क्वेश्चन। सो ए फैक्ट्री प्रोड्यूस 42,567 टॉयज इन जनवरी, 25,789 इन फेब्रुवरी, 22,578 इन मार्च। हाउ मेनी टॉयज डिड इट प्रोड्यूस इन 3 मंथ्स। क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, तो कहा गया है एक फैक्ट्री है जो कि जनवरी में इतने टॉयज, मतलब 42,567 टॉयज प्रोड्यूस किए, फेब्रुवरी में 25,789 प्रोड्यूस किए टॉयज, देन मार्च में 22,578 टॉयज प्रोड्यूस किए। क्वेश्चन है हाउ मेनी टॉयज डिड इट प्रोड्यूस इन 3 मंथ्स, टोटल ये तीनों मंथ में कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए। ठीक है, इसका आंसर कैसे करेंगे, सो आंसर कैसे करेंगे, तो इसे लिखेंगे अच्छी तरह। ठीक है,
तो इसको डिस्क्राइब करके लिखेंगे, उसके बाद उसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, टॉयज प्रोड्यूस्ड इन जनवरी इज, ऐसे लिखेंगे, टॉयज प्रोड्यूस्ड इन जनवरी, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन जनवरी इज कितना है, 42,567, ठीक है। देन उसी तरह टॉयज प्रोड्यूस्ड इन फेब्रुआरी, टॉयज प्रोड्यूस्ड इन फेब्रुआरी इज, फेब्रुआरी इज कितना है, 25,789, ठीक है। देन टॉयज प्रोड्यूस्ड इन मार्च इज कितना है, 22,578, तीनों को लिख दी, ठीक है। तो तीनों मंथ का है हमने लिख दिए, अभी उसका सम निकालेंगे। अभी क्या लिखे, हाउ मेनी टॉयज डिड इट प्रोड्यूस इन थ्री मंथ्स, टोटल टॉयज प्रोड्यूस्ड इन थ्री मंथ आर, क्या करेंगे, तीनों को आर कर देंगे, ठीक है। अभी तीनों को क्या करेंगे, आर करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको आर कर देंगे, 42,567 प्लस 25,789 प्लस 22,578, ठीक है। ये तीनों को आर करेंगे, जो आंसर आएगा वो उसका टोटल प्रोड्यूस, ठीक है। तो हम इस इधर थोड़ा सा रॉप करके आर कर देते हैं, उसके बाद लिख देंगे, ठीक है। आर करना तो हम जानते हैं ना, ठीक है, नहीं कैरी करके जानते हैं, विदाउट कैरी, ये वाला दोनों अभी किए, तो आर करेंगे 7, 9, 16, 16, 8, 24, टू कैरी किए, अभी 6, 2, 8, 8, 8, 16, 16, 7, 23, देन 5, 2, 7, 7, 7, 14, 14, 5, 19, 9, 1 कैरी किए, ठीक है, 1, 2, 1, 3, 3, 5, 8, देन 8, 2, 10, 0 रखे 1 कैरी किए, 4, 1, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, ठीक है। तो आंसर आया 90,934, 90,934, ये रिजल्ट आंसर। तो टोटल कितने हुए, 90,934, तीनों मंथ को, जनवरी फरवरी मार्च, इन तीनों मंथ को मिलाकर टोटल इतने हुए, ठीक है। इसे लिखेंगे लास्ट में, लिखेंगे हेंस द टोटल टॉयज प्रोड्यूस्ड इन थ्री मंथ्स आर 90,934, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है इसलिए नहीं लिखा, आप लिखेंगे हेंस लास्ट में लिखना, ठीक है। तो इस तरह आप क्या करेंगे, एडिशन में जो प्रॉब्लम्स आएगा इसी तरह आप क्या करके उसको डिस्क्राइब करके लिखेंगे, उसके बाद उसका आंसर सॉल्व करेंगे आर करके, ठीक है, आएगा, ठीक है। तो ये था प्रॉब्लम्स और एडिशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सबस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। सो जो भी कुछ डाउट है अगर एडिशन के बारे में, तो क्या करना, मुझे कॉन्टैक्ट करना, मैं आपका SW व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा, मुझे आप क्या करेंगे ना, आपका नाम, ठीक है, और सब्जेक्ट का नाम, ठीक है, ये नीचे जब आप आंसर शीट दे रहे हैं तो आप नीचे लिख के, ठीक है, मुझे सेंड करना, ठीक है। सो आई होप दिस क्लास विल मीनिंगफुल टू यू, सो थैंक यू।